हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं मारुति नोडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज स्पीति राइड के तीसरे दिन में हम जा रहे हैं स्पीति वैली में, और आज पूरा एडवेंचर होने वाला है। पूरा ऑफ रोड पैचेज मिलने वाले हैं। पैचेज क्या, पूरा ऑफ रोड ही है 80 किलोमीटर तक का, और वाटर क्रॉसिंग भी बहुत है इस रास्ते पे। और ये रोहतांग पास वाला रास्ता है। अभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि कहाँ से कट लेना है स्पीति के लिए। यहाँ से इन भाई से पूछते हैं। भैया, स्पीति वैली जाना है हमें। स्पीति आगे से है, नीचे लेफ्ट के लिए ना। ठीक है भैया, तो भाई से पूछो ना, बोला आगे से है रास्ता स्पीति के लिए। काजा 129 किलोमीटर लेफ्ट साइड में है, कुंजुम 57 किलोमीटर है। यहाँ से लेफ्ट जाना है, आ गया बोर्ड। तो ये है रास्ता। ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, बस धीरे धीरे चलते रहो, मंजिल तक पहुंच ही जाना है। वैसे सच पास भी तो हमने किया हुआ है, देखते हैं कि सच पास के रास्ते से भी टफ है क्या रास्ता। लगी जाएगा थोड़ी देर में, पता है 1-1.5 घंटे में। गाड़ी दिख नहीं रही है अपनी, अच्छा आ रही धीरे धीरे। पूरा ऑफ रोड मिलेगा हमें आज ऐसे ही अगले 50-60 किलोमीटर तक। कुंजमला तक तो कोई लोसर तक बोलते हैं, रोड खराब है। गाड़ियों के टायर के निशान तो हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ियां आती जाती नहीं इस रास्ते से। HRTC की बस भी अभी पता नहीं स्टार्ट हो गई है कि होने वाली है। मनाली टू काजा चलती है ना, पता नहीं स्टार्ट हुई अभी कि नहीं हुई। वो भी इसी रास्ते से जाती है भाई, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल रास्ता है। कभी पक्का भी हुआ था क्या रास्ता? थोड़ा सा ये पक्का पैच मिला था 8-10 फीट का छोटा सा, तो इससे पता चलता कि पक्का भी हुआ होगा कभी। टारमैक बिछा होगा, इधर डला होगा। ये देखो ग्लेशियर सबसे बड़ा मिला, जब से चला हूँ। ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी, दोनों साइड है रोड के, एक साइड नहीं है, दोनों साइड है। कार आई नहीं अपनी, वो आ रही है कार अपनी। कार का वेट करना पड़ रहा है ना, कार का वेट तो करना ही है। साथ में आए हैं तो साथ में जाएंगे। वहाँ से लेके नीचे तक पूरा ग्लेशियर है, और नीचे नदी के बगल में भी है। और आ रही है अपनी कार, धीरे धीरे चला रहे हैं भाई भी, सही है। धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, नीचे लगती है नहीं तो गाड़ी। सुपर एडवेंचर हो रहा भाई, ऐसा रास्ता ऑफ रोड शायद सच पास के बाद पहला ऐसा ऑफ रोड है जो उस लेवल का है। अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बोर्ड बोर्ड भी नहीं है ना इधर, पता चले ये जगह ये है। बगल में बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं मेरे लेफ्ट साइड में, जो ना सीधा नदी तक पहुंच जाएंगे अगर यहाँ से छूटे तो। ये देखो
ऐसा ऑफ रोड यहाँ रुकता हूँ मैं थोड़ी देर, आने देता हूँ उनको, चाय पियेंगे इधर हम, थोड़ा सा बाइक और कर देता हूँ आगे खड़ी। ये अच्छा हुआ, बड़ी देर से देख रहा था कुछ खाने पीने का मिल जाए तो खाते पीते हैं, रुकते हैं। कैंपिंग चल रही है भाई, कैंपिंग चल रही है, कैंपिंग कहाँ कहाँ के हैं? अच्छा कुल्लू से हैं, चलो ठीक है भाई। ये जगह तो कौन सी है पूछ के पता चलेगा। इधर एक कैफ़े है, डोरनी कैफे। चलो भाई अंकल जी, गुड मॉर्निंग। ये कौन सी जगह है? ये डोरनी। डोरनी, और आगे बाटल कितनी दूर है? और ग्रम्फू? ग्रम्फू तो आप पीछे छोड़ा है। अच्छा बाटल कितनी दूर आगे? बाटल 40 किलोमीटर होंगे ऐसे। 40? हाँ जी 40। और रास्ता ऐसा ही है ना? रास्ता ऐसे ही। ओके, तो ये है डोरनी जगह जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ढाबा है, चाय पानी पियेंगे। और ये देखो, रुक जाओ, चाय पियेंगे इधर। ढाबा ढाबा सो ये देखो भाई, बढ़िया भाई साहब उधर कैंपिंग कर रहे हैं, कुल्लू के हैं। और ये ऊपर पहाड़ सुंदर से, और ये डोरनी कैफे इन पहाड़ों के बीच में, बड़ा सुंदर लग रहा है भाई। ये है भाई लाहौल स्पीति के पहाड़। चलो वो खड़ी कर दी अपनी बाइक, पीते हैं चाय पानी। सो अभी हमने चाय वगैरह पी इधर डोरनी कैफे में, और चल रहे हैं आगे। गाड़ी निकल गई हमारी, बाइक को भी थोड़ी सी रेस्ट मिल गई। और बोल रहे थे भाई साहब ये 8-10 किलोमीटर तक रास्ता ऐसा ही मिलने वाला है, और उसके आगे देखते हैं क्या होता है। 8-10 किलोमीटर भी काफ़ी है यार, सही रास्ता है 8-10 किलोमीटर तक, अगर ऐसा रास्ता मिल गया तो। अभी इस रोड पे ना HRTC की बस चलती है, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। मैंने पूछा भाई साहब से, चालू हो जाएगी वो भी तो, उससे भी टाइम ही लगा करेगा वहाँ पहुँचने में। धीरे धीरे जाते होंगे वो भी। रास्ता पक्का क्यों नहीं होता ये नहीं पता। ये पक्का इसलिए नहीं होता होगा कि यहाँ लैंडस्लाइड होते रहते हैं, पक्का करके ख़राब हो जाता होगा फिर से, रीज़न ये भी हो सकता है। पर अब बरसात का मौसम है ना, फिर से लैंडस्लाइड होंगे इस रास्ते पे, बारिश होगी तो फिर पक्का कब करेंगे इसको? इनको बहुत ना वो नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता कि इसको पक्का करें। बारिश हो जाएगी, उसके बाद सर्दियों में बर्फ़ गिर जाएगी, जून में तो खुलता है ये रास्ता। इसलिए हमें बाटल बोल रहे थे 40 किलोमीटर, पर मुझे नहीं लगता 40 किलोमीटर है, बिकॉज जब हमने टर्न लिया था वहाँ से कुंजम पास 54 किलोमीटर है, और मुझे लगता है हमने 15-20 किलोमीटर तो चला ही ली है। अगर हमने 15 किलोमीटर भी चला ली है तो 40 कैसे हो सकते हैं? फिर तो हम कुंजम पास ही पहुँच जाएंगे। पानी की ना बूंदें जम गई हैं रोड पर, जब गिरी हुई हैं किसी व्हीकल से, वाइट वाइट पूरी। टेम्परेचर डाउन होता है इधर, और जा रही है अपनी कार, और एक और बड़ी देर के बाद छोटी सी बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिली है, क्रॉस भी कर ली हमने। टॉप बॉक्स नहीं लेके आया इस राइड पे, बिकॉज ये रोड ऊपर खबर रोड पे जब चलाते हैं तो वो हिलेगा पीछे, सोच रहा था कि कहीं उसका लॉक ना टूट जाए, लॉकिंग सिस्टम, इसलिए टॉप बॉक्स नहीं लेके आया मैं अपना।
देख लो एक और वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, ऐसी तो हजार मिलने वाली हैं आज दिन में। गाड़ी को मैंने क्रॉस कर लिया अपनी, और गाड़ी को ना थोड़ा स्लो चलाना पड़ रहा है, नीचे लग जा रही है, स्विफ्ट है ना। ये देखो भाई आप नज़ारे देखो, पहाड़ ढके हुए बर्फ से, पूरी तरह नहीं आधे। फिर से हम उतराई उतर रहे हैं, पहले उतराई उतरी फिर चढ़ी फिर अभी उतर रहे हैं, फिर से फिर आगे जाके कहीं चढ़ेंगे। देख लो भाई सुंदर पहाड़ पर, मेरी स्किन ना फट चुकी है पूरी चीक्स की ठंड से। मैं वाइज़र बंद नहीं कर सकता बिकॉज़ मैं स्पेक्स पहनता हूँ, जैसे वाइज़र बंद करूँगा तो वो स्पेक्स जो होते हैं वो फोग हो जाते हैं पूरा, तो फिर वो दिखेगा नहीं। धूप अगर हो तो कर सकते हैं बंद, फिर फोग नहीं होता है, टेम्परेचर कम है ना इधर। धीरे धीरे हम इस नदी के किनारे पहुंच गए ऊपर से, खड्डे बहुत ज्यादा हैं। सो गाइज़ हम रुके हैं, एक वैली है इसमें रुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने, ये खड़ी है अपनी बाइक, वहाँ पानी कर रहे हैं गर्म पीने के लिए, ठंडा है ना, ठंडा पानी पिए नहीं जा रहा है। और देखो बाइक की हालत देखो, और ये देखो पहाड़ भाई बड़े सुंदर हैं, स्पीति के पहाड़ हैं। अरे देखो इस साइड है, इस साइड नहीं, बर्फ नहीं है पहाड़ों पे। अभी भी पता नहीं कितना और है, और देखते हैं कितना और पड़ता है, यहाँ नेटवर्क है ही नहीं तो गूगल मैप वगैरह कुछ लगा नहीं सकते, बस ऐसे चल रहे हैं। रास्ता है, एक दो लोकल्स मिले उनसे पूछा रास्ते में कि ये रास्ता काजा की तरफ जाता है, बोले हाँ उन्होंने बोला, तो बस इसी रास्ते पे चल रहे हैं। अभी तक एक गाड़ी गई है आगे, और एक गाड़ी आते टाइम मिली है, दो गाड़ियाँ मिली हैं हमें बस। सो गाइस हम अभी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, मैगी बन रही है इधर, और ये देखो सिलेंडर लेके आए थे, गैस सिलेंडर छोटे वाला, वहाँ बन रही है मैगी। मैगी खाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो ब्रेकफास्ट हो गया भाई, इधर रुके थे, प्लेन जगह थी, मैगी बनाई और मैगी खाई, और अभी निकलेंगे आगे के सफ़र पे। थोड़ा सा लेट हो गए, पोर्ट बोर्ड तो नहीं है ना ही नेटवर्क है, तो पता नहीं कितनी दूर और है बाटल, और रोड तो ठीक ही है जो अपनाओ ये वाला, तो ऐसा रहेगा। तो चलो मैं निकलता हूँ आगे, गाड़ियाँ आ रही हैं भाई ऊपर की साइड से,
नदी दूर से लग रही है छोटी कि ये थोड़ा ही पानी है यार क्या है, पर मैं पास में गया था इसके बहुत भयानक लग रही थी, डर लग रहा था। ग्लेशियर है बगल में, सड़क के बगल में। भाई ये जो पहाड़ है पता नहीं कौन सी रेंज है ये नहीं पता, बट चलो हमें तो मज़ा आ रहा है एडवेंचर में। ये तो आइस के ग्लेशियर जो है ना इधर तो बिल्कुल मिट्टी के रंग के हो गए हैं, पता नहीं कितने सालों से जमे पड़े हैं इधर। ये पूरा ग्लेशियर ही है, हम सोच रहे हैं मिट्टी है, मिट्टी नहीं है, मिट्टी के रंग का हो गया अभी ये। इधर एक और वाटर क्रॉसिंग आई है, पूरा रेत है। ये देख लो भाई ग्लेशियर, ग्लेशियर वाटर क्रॉसिंग, और ये कीचड़ स्लिप कर रही है गाड़ी। यही इसी एडवेंचर के लिए हम लाहौल स्पीति आए हुए हैं, स्पीति वैली में आए हुए हैं। एक और वाटर क्रॉसिंग छोटी छोटी है बट सब। अरे छोटी छोटी अनगिनत है वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे इस रोड पे, इधर रोड पूरा नदी के किनारे चल रहा है। और ऐसा ये तो थोड़ा खतरनाक था, कैंप साइट भी है इधर इस वैली में ना। अब ये कौन सी कैंप साइट है नहीं पता, कौन सी जगह है ये नहीं पता। भाई एक और पुल आ गया, ये देख लो एडवेंचर प्लस वाटर क्रॉसिंग। ये तो कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं रोड बीच में, रोड है। हम सुबह से ना 15-20 की स्पीड से चल रहे हैं, उससे ज़्यादा मेंटेन कर नहीं पाओगे इस रोड पे। एक जगह था जहाँ थोड़ा सा कच्चा ही था बट वो पत्थर कम थे तो वहाँ पे तो ठीक था। गाड़ी वाले क्यों खड़े हैं समझ नहीं आ रहा है। और पूरा देखो भाई ये तो बहुत ही लंबी वाटर क्रॉसिंग है, पत्थर बहुत बड़े हैं इधर। चलो लंबी वाली कर दी, बहुत लंबी थी ये वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई साहब
स्पीति सुपर एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है स्पीति वैली। चलो देखो पूरा रेगिस्तान है, पूरी मिट्टी है। नीचे से भी है रोड, चलो ऊपर से चल देते हैं। नीचे वाला ज़्यादा बेटर था वैसे, कोई बात नहीं, ज़्यादा बेटर था, थोड़ा सही तो है। कितना और है, नहीं मिल गया आके ज़्यादा बेटर वाला भी। से आइए जिमनी, थैंक यू गॉड साथ देने के लिए, शुक्रिया आपका। हाँ जी भाई, कितना दूर है मनाली? मनाली काफ़ी दूर होगा भाई, अभी मुझे पता नहीं, हम 30-40 किलोमीटर ही आए होंगे मेन हाईवे से। 40 किलोमीटर आगे ना? हाँ जी, 40 है अभी। हाँ जी, थैंक यू भाई। ओके भाई वेलकम। सो गाइस ये था स्पीति राइड के डे 3 का पार्ट 1। डे 3 में हम कॉक्सर से निकले और बाटल से पहले तक का डिस्टेंस कवर किया। डे 3 के ब्लॉग को दो पार्ट में बनाने का उद्देश्य यही था कि आप सभी को जो वहाँ की रोड कंडीशन है वो क्लियरली पता चले, तो इसलिए इस ब्लॉग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को आने वाला है। पार्ट 2 में हमने कवर किया है बाटल, कुंजम पास, चिचम ब्रिज, की मिनिस्ट्री और काजा। सो गाइस आई होप आप सभी को स्पीति राइड्स की जो वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से स्पीति राइड के डे 3 के पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ, स्टे सेफ।